शव ग्रह में मातम पसर जाता है। आप देख सकते हैं परिवार लगातार पहुंच रहे हैं। दो युवकों को ट्रक कुचल देता है, बाइक सवार दो युवकों को ट्रक कुचल देता है और दोनों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं जो भी यहां पहुंच रहा है वो रोता चीखता बिलखता हुआ जो है जरूर नजर आ जाएगा, क्योंकि जो कमल रोहिला और बलविंदर बताए जा रहे हैं घीड़ और शेरगढ़ के रहने वाले, जिनकी दोनों की मौके पर जो है दर्दनाक मौत हो गई। बुरी तरीके से ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और जानकारी है कि ट्रक वाला मौके से फरार हो जाता है। डायल 112 की टीमों को जानकारी लगती है, कुंजपुरा थाने को जानकारी लगती है, पुलिस पहुंचती है, शव वाहन को बुलाया जाता है और फिलहाल शव को जो है शव गृह में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। जैसे ही परिवारों को जानकारी लगी तो वो भागते दौड़ते यहाँ पहुंचे हैं और आप माहौल देख सकते हैं शव गृह का कि किस तरीके से जैसे ही जानकारी लगी ये जो बताए जा रहे हैं कि कमल के साले बताए जा रहे हैं और अपनी जीजा को लेकर कितने ज़्यादा जो है वो बौखला से गए हैं, क्योंकि अचानक से सुबह जानकारी लगी कि जो कमल है उनकी मौत हो चुकी है। परिवार आप देख सकते हैं परिवारों में मातम है, लगातार ऐसे हादसे जो हैं वो किस तरीके से उसमें लोग जाने गंवा रहे हैं। रोज़ाना बड़े हादसे सामने आते हैं, रोज़ाना जो है ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोग जान गंवा रहे हैं। अपना ध्यान रखें, आप सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएँ, सावधानी से चलाएं, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं। किस तरीके से परिवार जो है वो तबाह हो रहे हैं। आज फिर से सुबह सुबह 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जब कमल बताया जा रहा है जो शेरगढ़ का है, अपने घर से पेपर देने के लिए रोहतक उसने जाना था, वो निकलता है और बड़क गांव और घीड़ गांव के बीच में ट्रक द्वारा उसे कुचल दिया जाता है। और शायद कमल ने ही, जो दूसरा लड़का बताया जा रहा है बलविंदर जिनका नाम बताया जा रहा है, उसको लिफ्ट दी। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों जो है घीड़ गांव से करनाल की तरफ आ रहे थे जब ये भयानक हादसा हो गया। आपको बता दें कि दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। बाइक सवारों को जो है ट्रक कुचल देता है। हालांकि ये नहीं जानकारी कि क्या कारण रहा जो ट्रक ने इतनी बेरहमी से जो है कुचल दिया। जानकारी है कि एक जो है वो शेरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरे ने जो है उस व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी और वो भी जो है घीड़ के बताए जा रहे हैं, एक शेरगढ़ का एक घीड़ का बताए जा रहे हैं कि दोनों ही आगे गांव से करनाल की तरफ आ रहे थे जब ट्रक ने जो है कुचल दिया और एक दर्दनाक जो है मौत हो जाती है। हालांकि ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। जानकारी है कि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो जाता है। इससे पहले ही जो है पुलिस जब तक वहां पहुंची और ट्रक चालक जो है किस तरीके से दोनों को कुचल देता है। दोनों ही जो है एक घीड़ के बताए जा रहे हैं और एक शेरगढ़ के। आपको बता दें कि जो शेरगढ़ खालसा के हैं वो कमल रोहिला 29 साल की उम्र जिनकी बताई जा रही है और वो अपने घर से बाइक पर निकले थे। शायद बीच में उन्होंने जो है घीड़ गांव के बलविंदर को लिफ्ट दी और आगे चलकर बड़ा गांव और घीड़ गांव के बीच में ये भयानक हादसा हो गया। दोनों की पहचान जो है सिर्फ कमल रोहिला और बलविंदर के रूप में हुई है। हालांकि एक दर्दनाक हादसा जरूर रहा जिसमें जो है दोनों की मौके पर जो है मौत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं दोनों के शवों को फिलहाल जो है पोस्टमार्टम के लिए रखवाया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों की ही ट्रक द्वारा कुचलने से मौत हो गई है। घीड़ गांव शेरगढ़ के जो है एक रहने वाले बताए जा रहे हैं, दो एक ही बाइक पर बताए जा रहे सवार थे, एक ने लिफ्ट शायद जो है मांगी थी जिसके बाद ये भयानक हादसा हुआ। ट्रक ने शायद जो है रोंग साइड आकर जो है कुचला है, बाइक को मौके पर कुचल दिया जिससे एक दर्दनाक मौत हो गई। जो कमल रोहिला, एक का नाम बताया जा रहा है कमल रोहिला, जो TVS एजेंसी इंद्री में काम करते थे और अपने काम के लिए निकले हुए थे, और जानकारी ये है कि वो जो है शेरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दूसरा बलविंदर जो है एक युवक बताया जा रहा है जिसने शायद लिफ्ट ली थी कमल से और वो भी जो है करनाल की तरफ आ रहे थे, शायद पेपर देने जा रहे थे, ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने आ रही है। बलविंदर और कमल शेरगढ़ और घीड़ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रक ने जो है दोनों को कुचल दिया और दोनों की ही मौके पर
जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। कमल रोहिला महज 29 साल के बताए जा रहे हैं, और दूसरे भी जो है एक युवक जो लिफ्ट लेकर बताया जा रहा है कि जा रहे थे, तो उनका नाम बलविंदर बताया जा रहा है। ऐसे में एक भयानक हादसा रहा, ट्रक चालक जो है फिलहाल मौके से फरार हो गया, कुचल दिया है। आपको बता दें कि जो ट्रक है उसने दोनों ही जो है व्यक्ति है उनको कुचल दिया है, और दोनों की जो है मौके पर ये दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम हाउस में जो है रखवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए ट्रक चालक मौके से फरार हो जाता है, और यह हादसा बड़ा गांव और गीड़ रोड के बीच में जो है हुआ है, जहां पर जो है लगातार बड़े ट्रक रोजाना वहां से निकलते रहते हैं। बाबूजी, आप किस परिवार से हैं, क्या इसी से क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल रोहिला और शेरगढ़ खालसा के रहने वाला हूँ। मेरा भतीजा पेपर देने जा रहा रोहतक, मोटरसाइकिल पे था, गिर के आगे लिकड़ गए 2 किलोमीटर करनाल की तरफ। एक ट्रक बाइक वाले ना कुचल दिया, 2 पेटे तोड़े और वो जान से मौके पे ही मर गया। किसकी थी, दोनों में से बाइक किसकी बाइक थी? इसी मेरे भतीजे की थी, कमल की? अच्छा, कमल की बाइक थी, कमल रोहिला की बाइक थी। दूसरे को 88 88 उन्होंने नंबर है उसका, है 4-75। लिफ्ट दी थी दूसरे को, बस ये नहीं हमने पता जी लिपट दी या ना दी। जो हाँ हम ना गीड़ तोरिया के रहने वाले हैं दूसरे ये को। दूसरे गीड़ के बताए गए, अभी दूसरे गीड़ के रहने वाले हैं। हाँ कुछ करते भी, कमल सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ और भी पढ़ाई भी करते कर थे? रहा था और इसकी TBS वाला की एजेंसी वहाँ नौकरी कर रहा था जी। अच्छा, आज पेपर था, आज इसका पेपर था रोहतक, और रोहतक गए थे, जहाँ लग रहे थे। हाँ शादीशुदा है कमल, शादीशुदा, 4 साल की एक बच्ची है उसके पास। छोटी गुड़िया है। हाँ छोटी गुड़िया है जी। आपको पुलिस ने ही जानकारी दी? मर पता कि गांव वाले में वो व्हाट्सएप पे पता लग गया हमने तो। अच्छा, हमने नहीं पता था कुछ भी, हमने तो व्हाट्सएप पर एक लंबड़दार का छोरा बताना आया, लेकिन सारा छोरा सीरियस था, जाकर देख लो इतना माए इतना पोस्टमार्टम वास्ते आ गई है दूसरे जो साथ में थे उनकी कोई जानकारी नहीं थी, ना तो वो उसकी, लोग नहीं आगे उसके तो बढ़े। इतना पता भी गीड के रहने वाला। हाँ तो ये पहले भी रोजाना उस रोड से जाते थे? अच्छा नहीं, ये तो इंद्री फीस की ड्यूटी जी। अच्छा हाँ आज इंद्री करनाल आए आज हैं। करना आए थे, एजेंसी में काम कर रहे थे टीवी जी, से एजेंसी इंद्री में काम। टीवीएस हाँ एजेंसी जी जी में? जी हाँ इंद्री टीवीएस एजेंसी में काम करते थे ये ही, सरपंच है जी। लड़का हाँ है था जी। हाँ जी तो पुलिस से बात हुई है कि हादसा पुलिस के क्या साथ रहा, में कैसे जैसे कारण उधर हुआ? में वहाँ पे थे मैडम, तो दो ही पुलिस वाले थे वहाँ पे, उनसे बातचीत किया जाके तो उन्होंने बताया कि अचानक ही उधर से गाड़ी आई, उसके साथ में एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कोई ऐसा मौके पे तो कुछ ऐसा कोई गवाह नहीं था, जाके उधर में गाड़ी का नंबर वगैरह हमने ले लिया मैडम। बाकी अभी देखते ड्राइवर हैं, का पता चला? ड्राइवर का ड्राइवर पता नहीं चला, का बाकी ये नहीं एक बता रहे क्या ये पता पता लगा लगा? कि शुगर मिल जो यहाँ, शुगर मिल सॉरी ये डिस्टलरी है ना चुगामा में, उसकी गाड़ी आई खोई उसकी वगैरह उसकी की। जा रही थी गाड़ी हाँ जी पूरे, गाड़ी तो उसी की है जी चलाने वाले भी कोई आसपास गांव के ही हैं इसको ड्राइवर मैडम। जो? इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे में किसी को बोलना भी तो सही नहीं है, फरार हो मौके गया भी था। दिखाई नहीं। हाँ जी फरार है मौके पे, कोई दूसरे नहीं। जो व्यक्ति उनके परिवार को जानकारी दे दी है, भीड़ के जो नहीं जी बता रहे हमारे हैं को उनकी बलविंदर, जानकारी उनके नहीं है बारे और में ना ही पता पता चल लगा जी, पाया? शायद वो लिफ्ट लेके बैठे हुए थे उनके साथ में। कुछ वॉलेट में कुछ है, डॉक्यूमेंट हाँ वगैरह जी है क्या? डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट उसकी जो भी डॉक्यूमेंट मिले, इंश्योरेंस वगैरह, गाड़ी का नंबर, वो सब कुछ रिसीव कर लिया उधर से, और पुलिस के पास में भी है अभी। ये पता चल गया कि वो बलविंदर ही नाम है उनका और गिढ़ गांव के नहीं रहने नहीं वाले हैं? मैडम आधार ये कार्ड से पता लगा जी, आधार कार्ड पे आधार लिखे कार्ड थे निकले उसका जी, आधार कार्ड से पता लगा अभी बलविंदर आया, ये गिढ़ के रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शव गृह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपको गमगीन माहौल लगेगा, एक मातम जरूर पसरा है, क्योंकि दो लोगों को सुबह सुबह जो है किस तरीके से एक ट्रक कुचल देता है। उस रोड पर लगातार जो है वो ट्रक निकलते हैं, सिंगल रोड है, लेकिन वहां पर एक गति निर्धारण जरूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कारण जो है रैश ड्राइविंग का हो, क्योंकि जो ट्रक है वो अपनी साइड से दूसरी साइड आकर जो है इन बाइक सवारों को कुचलता है। दो लोग हैं साथ में, एक बलविंदर बताए जा रहे हैं और दूसरा जो है वो साथ में कमल रोहिला बताया जा रहा है, जो शेरगढ़ के रहने वाले हैं। पेपर देने के लिए आज जो है जा रहे थे, जब ये भयानक हादसा हो गया, और शवगृह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे। हो सकते हैं कि बलविंदर का परिवार जो है फिर मौके पर पहुंच। और फिलहाल जो है कुंजपुरा थाना से विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी लेंगे कि मृतकों की जो पहचान है वो हो गई है, कहाँ के दोनों रहने वाले थे। हालांकि पहले सिक्योरिटी गार्ड जो है बताए जा रहे थे, लेकिन अब पहचान हुई है कि शेरगढ़ और गीड़ गांव के दोनों रहने वाले। सर क्या हादसा हुआ और कौन कौन लोग हैं जो मारे गए? ये सुबह सूचना मिली थी कि गीड़ के पास एक एक्सीडेंट हो गया ट्रक का और मोटरसाइकिल का। वहाँ पहुंचे थे ERBP भी हमारी, वहाँ मौके पर पहुंची थी और हमने वहाँ पे डेड बॉडी को जो एम्बुलेंस बुलवा कर और डेड बॉडी भिजवा दी थी, हॉस्पिटल में रखवा दी है।
और उसके बाद जो इनकी पहचान हुई है, शेरगढ़ है गढ़ी बीरबल के पास, वहाँ से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड है उसके कल्पना चावला में। और एक जो दूसरे लड़के की पहचान हुई है वो बलविंदर फूल सिंह का है, भीड़ का जो बात आई है उन्होंने बताया, परिवार जिन्होंने वहाँ पर पहुंचे हैं। ये शायद इस पे लिफ्ट लेके चला है और आगे ट्रक के साथ इनका गेट से निकलते ही 1 किलोमीटर के आसपास इनका वहाँ पर ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है। दोनों गाड़ियों कब्जे में ले लिया है, शव जो है वो मोर्चरी में रखवाए गए हैं और परिवारजन अभी बयान देने के लिए आने लग रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई कानूनी बनेगी वो कर दोनों देंगे, की मौके पे डेथ हो गई है, मौके पर तो दोनों की डेथ हो गई। क्योंकि कारण सर क्या रहा, हादसे का कोई कारण समझ आया? सुबह, क्योंकि बहुत बिजी रोड है, इतना तो इसको नहीं कह सकते कि इतना वाइड ये सड़क है कि यहाँ पर काफी सारा उसके हिसाब से व्हीकल काफी है और यमुनानगर के लिए काफी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और भीड़ की वजह से भी और कम चौड़ा सड़क होने के कारण कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है, और सुबह सुबह देखो इस तरह का हादसा हुआ है। और फिर लोग क्या करते हैं अक्सर के, फिर उसके बाद भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सड़क एक्सीडेंट भी हो गया, फिर हो गया, उसके बाद भी मेरा लोग क्या सोचते हैं कि खड़े, अब वहाँ जगह ही नहीं है, बहुत कम थोड़ी सड़क है, सर अभी बहुत क्या सही हो कुछ सकता है। कार्रवाई की जाएगी? पोस्टमार्टम कराए जाएंगे, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जैसे ड्राइवर अभी फरार है, ड्राइवर को ढूंढ के उसका पता करके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा।